shining stars, welcome to your social studies class with your mentor Aparajita. And here we start with our book Jelly Bean Journeys in Social Studies, and that is by Brain Root series. So today we are going to start chapter number 2. Kya hai ye? The Northern Mountains and the Northern Plains. तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में. सम इन सब्सटेंस, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, देन द हिमालयन माउंटेन्स. और हिमालयन माउंटेन्स में कौन कौन से माउंटेन्स हैं? द हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालयस, लाइफ ऑफ पीपल इन द हिमालयन रेंज. हिमालयस का क्या इम्पोर्टेंस है और हिमालयन रेंज में, रीजन में जो लोग रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज. एंड नॉर्दर्न प्लेन्स, द गंगा रिवर बेसिन, द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, द सतलज रिवर बेसिन, लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. नाउ रिट्रीव. रिट्रीव मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग. Can you find out difference between the two physical features shown in the given pictures? Write any three differences. अब देखिए, दो पिक्चर दिए हुए हैं यहाँ पे. क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? Can you find out any difference here? Yes, the very big difference is this is a mountain range. ये एक mountain range है और ये plains हैं. और ये mountain range snow covered है, यहाँ snow नहीं है. Okay? So, let's start the chapter. Mountains are elevated areas with cooler climates due to lower temperatures at higher altitudes. अब mountains क्या होते हैं? वो elevated areas होते हैं. Elevated means उठे हुए areas, जहाँ का climate ठंडा होता है. क्यों ठंडा होता है? क्योंकि temperature low होता है वहाँ पर. हाई altitudes पे, जब हाई altitudes पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इसलिए ठंडा होता है. हाई पीक्स ऑफन रिमेन स्नो कवर्ड ईयर अराउंड. अभी आपने देखा कि कैसे वो माउंटेन रेंज कवर्ड था स्नो से. प्लेन्स इन कंट्रास्ट आर फ्लैट फर्टाइल लैंड्स, आइडल फॉर एग्रीकल्चर एंड ईजी कंस्ट्रक्शन. अब देखिए, उस पिक्चर में एक डिफरेंस ये भी है कि वो जो माउंटेन रेंज है वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो जो प्लेन्स है वहाँ एग्रीकल्चर किया जा सकता है. सो जो प्लेन्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फर्टाइल लैंड होती है वहाँ पर, और वहाँ ईजीली एग्रीकल्चर हो जाता है. देयर फेवरेबल कंडीशंस इंक्लूड एक्सेस टू रिवर, make them well populated, often growing into cities with thriving industries. अब plains में क्या होता है, वहाँ पर conditions favorable होते हैं और access to river, पानी भी बहुत easily available होता है, river का access बहुत easy होता है, तो जिससे कि वहाँ पर population बढ़ जाती है और population बढ़ने से वो एक city में convert हो जाता है और वहाँ पर फिर बड़े बड़े industries लग जाते हैं. Now let's read about the northern mountains. The northern mountains include the Himalayas and the Karakoram range. जो northern mountains हैं उसमें Himalayas आता है और Karakoram range आता है. The Himalayas are the highest mountain range in the world. In the previous chapter also we have read कि Himalayas जो है वो highest mountain range है पूरे world में. They lie to the north of India. India के north में है ये Himalayan range. The Himalayan mountains. The word Himalaya means the abode of snow. Himalaya का मतलब होता है abode of snow, snow का घर. They have the highest peak and are one of the longest mountain ranges in the world. इसके इनके peaks सबसे ऊंचे हैं और ये सबसे लंबे mountain range है पूरे world में. They remain covered with snow throughout the year. पूरे साल ये स्नो से कवर्ड रहते हैं. द हिमालयन रेंज एक्सटेंड्स. अब हिमालयन रेंज का एक्सटेंशन क्या है? देखिए, हिमालयन रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू द अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट. अब इसका डिस्टेंस कितना है? 2500 किलोमीटर्स. इट्स विथ वेरीज बिटवीन 150 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर. और इसकी जो चौड़ाई है वो वेरी करती है 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर्स तक.
thus separating India and China through a natural boundary. और यही है जो सेपरेट करती है इंडिया और चाइना को, एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है. द हिमालयस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पैरेलल रेंजेस. दे आर, अब हिमालयस को तीन पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया जा सकता है. कौन से हैं वो? द ग्रेटर हिमालयस, दैट इज नोन एज हिमाद्री, इसको हिमाद्री भी कहते हैं. नेक्स्ट इज द मिडल हिमालयस. पहला हुआ द ग्रेटर हिमालयस, second one is the middle Himalayas, that is Himachal, and the southernmost Himalayas, which is known as Shivalik. Okay, see, this is the Mount Everest. And interpretation here, Mount Everest is known by many names. Mount Everest ke bahut sare naam hai. It is called Sagarmatha in Nepal. Nepal mein se Sagarmatha kaha jata hai. Then Chamulangama in Tibet, and Sagarmatha means, Sagarmatha ka matlab hota hai forehead of the sky. Matha forehead ko kehte hai, and sky ka forehead. And Chamulangama means mother of the universe. Let's read about the greater Himalayas or Himadri. The greater Himalayas or Himadri is the uppermost range. जो अपरमोस्ट रेंज है उसे कहा जाता है ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री. मेजर पीक्स ऑफ दिस रेंज आर, अब इसके मेजर पीक्स कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची माउंटेन पीक है पूरे वर्ल्ड में. विद द हाइट ऑफ 8,848 meters, Tenzing Norgay of Nepal and Edmund Hillary of New Zealand were the first men to climb Mount Everest in 1953. 1953 में Tenzing Norgay और Edmund Hillary वो पहले लोग थे जिन्होंने Mount Everest चढ़े थे, जो सबसे पहले Mount Everest पे चढ़े थे. The first Indian woman to climb Mount Everest was, एक Indian woman ने भी, woman ने भी Mount Everest climb किया था. Who was she? She was Bachendri Pal. Okay? Now, this range of the Himalayas is covered with snow throughout the year. और ये जो range है Himadri, ये पूरे time snow से covered रहती है. From the peaks, glaciers slowly move downwards. अब जो ग्लेशियर्स हैं उस पीक से धीरे धीरे नीचे आते हैं. इन द लोअर रेंजेस दे बिगिन टू मेल्ट एंड बिकम अ सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स लाइक द गंगा एंड द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र. अब ये जो ग्लेशियर्स धीरे धीरे नीचे आते हैं, जब ये लोअर रेंज में पहुंचते हैं तो ये पिघलना शुरू होते हैं और यहीं से ये मेजर रिवर्स बन जाते हैं, जैसे कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र. Gangotri is the glacier from where the river Ganga originates. Ganga jahan jo originate hoti hai wo kaun se glacier se? Gangotri se. Gangotri wo glacier hai jahan se Ganga river originate hoti hai. All these rivers rise from this range and then flow towards the plains in three different directions. Ab sari rivers yahan se nikalti hain, rise karti hain aur fir ye प्लेन्स की तरफ फ्लो करती हैं और वहाँ से ये तीन डिफरेंट डायरेक्शंस में, तीन अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं. द मिडल हिमालयाज और हिमाचल. द हिमाचल रेंज इज लोकेटेड बिटवीन हिमाद्री एंड शिवालिक. अब हिमाद्री और शिवालिक के जो बीच में का रेंज है वो है हिमाचल रेंज. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ 3,700 meters to 4,500 meters and a width of about 80 kilometers. Iski width hai 80 kilometers. The Himachal is lower than the Himadri. Himadri se neecha hota hai ye Himachal. This mountain range has some beautiful valleys such as Chamba, Kullu and Kangra. और ये जो माउंटेन रेंज है हिमाचल का, यहाँ पे बहुत सुंदर वैलीज हैं जैसे कि चंबा, कुल्लू और कांगड़ा. द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ शिमला, अब कुछ हिल स्टेशंस भी हैं जो बहुत फेमस हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन दिस रेंज. पीपल फ्रॉम द प्लेन्स विजिट दीज हिल स्टेशंस,
Now see, this is the Kangra Valley, this is Mussoorie. Okay, people from the plains visit these hill stations to escape the summer heat. और गर्मियों से बचने के लिए प्लेन से लोग इन हिल स्टेशंस पे आते हैं. सम इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस सच एज रोहतांगला एंड जोजीला ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फाउंड इन दिस रीजन. दिस इज रोहतांगला. दे हैव थिक फॉरेस्ट दैट आर कवर्ड विद पाइन. अब यहाँ पे थिक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बहुत घने फॉरेस्ट होते हैं जिसमें कि क्या होते हैं, पाइन, ओक, देवदार एंड फिर ट्रीज. द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज सूटेबल फॉर कल्टिवेशन. जो हिमाचल का क्लाइमेट होता है वो कल्टिवेशन के लिए सूटेबल होता है. विंटर इज कोल्ड बट समर इज कूल एंड प्लेजेंट. विंटर्स जो हैं वो ठंडे होते हैं, सर्दियाँ जो हैं, और जो गर्मियाँ हैं वो कूल होती हैं और प्लेजेंट होती हैं. The lower slopes of these ranges have orchards. Tea plantations are found in the eastern part of this range. Iske eastern part mein, is range ke eastern part mein tea plantation hota hai. See, there are trees in Manali. Now comes the southernmost valley and Mussoorie. Shivalik is a Sanskrit word which literally means belonging to Lord Shiva. अब शिवालिक रेंज है, सदर्न मोस्ट वैली जो है, और शिवालिक का मतलब होता है कि बिलोंगिंग टू लॉर्ड शिवा. द शिवालिक्स आर द लोएस्ट एंड द नैरोएस्ट रेंज इन द एंटायर हिमालयाज. पूरे हिमालयाज में जो शिवालिक होते हैं वो सबसे लोएस्ट रेंज हैं और नैरोएस्ट भी हैं, बहुत पतले भी हैं. इट हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 900 to 1200 meter and a width of about 10 to 50 kilometer. The Shivaliks rise steeply from the northern plains of India. Ab Shivalik kahan se rise karti hai? Bahut steeply ye rise karti hai northern plains of India se, and run parallel to the other two Himalayan ranges. Aur yahan se rise karne ke baad ye baki ke do Himalayan ranges hain uske barabar chalti hai. The Shivaliks and the Himachal range are separated by deep and narrow valley called the dunes. Dunes se separate hoti hai kya Shivalik aur Himachal range. Dehradun is one such example. These slopes are covered with thick forest and a variety of wildlife found here, including ab yahan pe bahut sare wildlife bhi hai, variety of wildlife मिलती हैं यहाँ पे, जैसे जैकल्स, हाइनास, चीतल, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड टाइगर्स. इन नॉर्थ इंडिया दिस रेंज मार्क्स द एंड ऑफ माउंटेन्स एंड द बिगिनिंग ऑफ प्लेन्स. अब नॉर्थ इंडिया में ये जो रेंज है ये एंड होता है माउंटेन्स का और यहाँ से प्लेन्स की शुरुआत होती है. इन बिटवीन देम लाइज द तराई विच इज अ डेंस मार्शी लैंड. इनके बीच में तराई रीजन आता है जो कि बहुत घना और माशी होता है. क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट एंड शुगर केन आर मेनली कल्टिवेटेड हियर. नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालयस, हिमालयस के क्या इंपॉर्टेंस है. द हिमालयन माउंटेन्स हेल्प अस इन मेनी वेज. जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो हमें बहुत तरह से हेल्प करते हैं. द हिमालयस गार्ड आर नॉर्दर्न बाउंड्रीज बॉर्डर्स, सॉरी रिपीटिंग. The Himalayas guard our northern borders and so they play a great role in the defense of India. जो north में जो Himalayas हैं ये guard का काम करते हैं, northern border पे ये guard का काम करते हैं और defend करते हैं India को किसी भी तरह के invasions से. They protect our country from the cold winds of the north. अब north से जो cold winds बहती हैं उससे भी बचाते हैं. And check the rain bearing monsoon winds and cause heavy rainfall in many parts of our country. The melting snow of the Himalayas give rise to some of the major rivers. अब जो melting snow है Himalayas का वो उससे क्या होता है, rivers बनती हैं. It gives rise to rivers such as Ganga and Yamuna. These rivers are called perennial rivers because they have water throughout the year. Perennial rivers वो rivers होते हैं जिनमें पूरे साल पानी रहता है. There are heavy and dense forests up to the altitude of 1500 meters.
Forests provide us with the wood, timber, resin, medicines, etc. Different types of animals such as yak, snow leopard, rhinoceros, etc. are found in the Himalayan forest. Himalayan forest mein ye alag alag tarah ke animals bhi dekhne ko milte hain. The main occupation of the people are agriculture and cattle rearing. और यहाँ के लोगों का मेन एग्रीकल्चर जो है मुख्य एग्रीकल्चर है कैटल रेयरिंग और मेन ऑक्यूपेशन सॉरी रिपीटिंग दिस द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल आर एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग यहाँ जो लोग रहते हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग नाउ लाइफ ऑफ पीपल इन द हिमालयन रीजन हिमालयन रीजन में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है The following table highlights the life of people living in some of the states and union territories that lie in the Himalayan region. अब ये जो table है ये हमें बताती है कि जो लोग कुछ states और union territories में रहते हैं जो कि Himalayan range में lie करती है कैसी होती है उनकी life. See, Jammu and Kashmir. और इधर तो states और union territories के नाम हैं फिर हम पढ़ेंगे कि क्या पहनते हैं वो दे वेयर मीन्स क्या पहनते हैं वो दे ग्रो क्या उगाते हैं दे मेक क्या क्या चीज़ें बनाते हैं दे सेलिब्रेट और कौन कौन से फेस्टिवल्स त्यौहार मनाते हैं जम्मू एंड कश्मीर क्लोथ्स क्या पहनते हैं फिरन फिरन इज अ लूज गाउन एंड सलवार लूज पायजामाज वो क्या क्या ग्रो करते हैं सैफरन राजमा फ्रूट्स मेज देन दे मेक paper mache shawls carpets handicrafts of woods brass and silver and they celebrate eid and shivratri then himachal pradesh woolen coats they wear woolen coats pajamas tazu headscarves topis caps then they grow rice maize barley apples potatoes they make woolen carpets rugs and shawls items processed from fruits such as juice squash and jam and they celebrate Dashera and Diwali. Then Sikkim, they wear boku, long skirt, colorful beaded jewelry. Then they grow tea, maize, wheat, cardamom, oranges, apples, tea, and so on. They make thanga, Buddhist paint, thanka, okay? Then paintings, carpets, items with wood carving. And they celebrate Durga Puja, Dashera and Buddhist festivals. Now let's read about the Northern Plains. The Northern Plains are among the most densely populated regions of the world. जो Northern Plains हैं वो सबसे ज़्यादा densely, सबसे ज़्यादा population है वहाँ उस region में. These plains are located to the south of the Himalayas. They are also called the Gangetic Plains. They lie almost parallel to the Himalayas. बिल्कुल हिमालयस के बराबर ही वो होती हैं. Extending from Punjab in the west to Assam in the east, the plains stretch over a length of 2,400 km and are about 150 to 300 km wide. They cover the states of Punjab. आप कौन कौन से states cover करते हैं ये? पंजाब वेस्ट बंगाल हरियाणा द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार पार्ट्स ऑफ असम द नॉर्दर्न प्लेन्स कंप्राइज फ्लैट एंड लेवल लैंड्स नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लैट और लेवल लैंड्स होते हैं द रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन द हिमालयाज फ्लो थ्रू द प्लेन्स जो हिमालयाज से रिवर्स निकलती हैं वो प्लेन्स में बहती हैं These rivers are snow-fed and have water throughout the year. क्योंकि ये snow-fed होती हैं तो हमेशा ही इसमें पानी रहता है They are called perennial rivers for this reason. They bring fine silt from the Himalayas. हिमालयस से silt ये लाते हैं अपने साथ This fine silt is also called alluvium. और इस fine silt को क्या बोलते हैं Alluvium. Alluvium makes the soil fertile. During the monsoon season, the rivers overflow their banks and deposit the fertile alluvium. This has made the northern plains one of the most fertile regions in the country. The area is often referred to as the rice bowl of India, as most of the India's rice is grown here.
और इस एरिया को राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा राइस जो है वो यहीं उगाई जाती है. देर आर थ्री लार्ज रिवर बेसन्स दैट फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन्स. अब तीन रिवर बेसन्स कौन सी हैं जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती हैं? द गंगा बेसन इन द सेंटर, द सतलज बेसन इन द वेस्ट एंड द ब्रह्मपुत्र बेसन इन द ईस्ट. नाउ एन इंटरप्रिटेशन चिल्ड्रन. Plains are among the major landforms of types of land on earth. They cover more than one third of the world's land area. जो plains हैं वो कितना area cover करती हैं? More than one third of world's land area. Then plains exist on every continent. हर continent में plain है. The Ganga River Basin. The Ganga River originates as the Bhagirathi from the Gangotri Glacier in the Himalayas. Himalayas में Gangotri Glacier से जो Ganga River originate होती है as Bhagirathi. It merges with the Mandakini and Alaknanda to form the Ganga. अब ये Bhagirathi जब Mandakini और Alaknanda के साथ मिल जाती है तो ये Ganga बन जाती है. Entering the Northern Plains near Rishikesh. और फिर ये कहाँ enter करती है? Northern Plains Rishikesh में. The Yamuna, its main tributary, begins at Yamunotri. और जो यमुना है जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो कहाँ से शुरू होती है? यमुनोत्री से. अदर हिमालयन रिवर्स इंक्लूडिंग द घाघरा, गोमती, गंडक एंड कोसी ऑल्सो ज्वाइन द गंगा. द यमुना ज्वाइंस गंगा एट अ प्लेस नियर प्रयागराज. और यमुना कहाँ मिलती है गंगा से? प्रयागराज में. दिस प्लेस इज कॉल्ड संगम. इसलिए इसे संगम कहा जाता है. देर इज अनदर ट्रिब्यूटरी सोन दैट ज्वाइंस द गंगा नियर पटना. और पटना के पास गंगा को कौन ज्वाइन करता है? एक और ट्रिब्यूटरी इसकी सोन. नाउ सी पिलग्रिम्स टेकिंग अ होली बाथ इन संगम. संगम में नहा रहे हैं सब. प्रयागराज उत्तर प्रदेश. द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ. अब गंगा कहाँ कहाँ से फ्लो करती है? कौन कौन से स्टेट से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. आफ्टर रीचिंग वेस्ट बंगाल इट स्प्लिट्स इनटू टू ब्रांचेस, द हुगली इन द वेस्ट बंगाल एंड पद्मा इन बांग्लादेश. अब वेस्ट बंगाल जैसे ही पहुंचती है गंगा तो इसके दो ब्रांचेस बन जाते हैं. एक है हुगली इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में हुगली, और दूसरा पद्मा बांग्लादेश में. The Hooghly is the main branch of the Ganga in India. It flows through West Bengal. Now the Satluj River Basin. The Satluj River river originates from Tibet. Ab Satluj kahan se originate hota hai? Tibet se. The Satluj and the Bias flow in the southwest directions. Satluj aur Bias southwest direction mein flow karti hain. दे ज्वाइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान. और जाके इंडस में मिलते हैं पाकिस्तान. द इंडस फ्लोज इन टू द अरेबियन सी. और फिर ये इंडस रिवर कहाँ मिल जाता है? अरेबियन सी में जाके. पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज बेसन. सतलुज बेसन में कौन से स्टेट्स हैं? पंजाब एंड हरियाणा. द भाखड़ा डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर. ये जो भाखड़ा डैम बिल्ड किया गया है किस पे? कौन से रिवर पे? सतलुज रिवर पे. It provides water for irrigation. Electricity is also produced at the Bhakra Dam. Now, Punjab and Haryana are the two states which get water and electricity from Bhakra Dam. Bhakra Dam se electricity aur pani kin do states ko milta hai? Punjab ko aur Haryana ko. The Brahmaputra River Basin. River Brahmaputra originates in Tibet. Ab रिवर ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है. वेयर इट इज नोन एज सैंगपो. वहाँ उसका नाम है सैंगपो तिब्बत में. इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू आसाम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश. अब ये इंडिया एंटर करती है कहाँ से? थ्रू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से. और फिर ये फ्लो करती है कहाँ? आसाम. आसाम फ्लो करती है बांग्लादेश में एंटर करने से पहले. The Brahmaputra and the Ganga form the Sundarban Delta, the largest delta in the world. और ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा हैं ये फॉर्म करती हैं एक डेल्टा जिसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा. और ये सबसे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेल्टा है. द फर्टाइल सॉइल इन दिस रीजन सपोर्ट्स द लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ जूट.
This is the Sundarban Delta. See, so beautiful it is. Now, life in northern plains. People live on different kinds of landforms in different ways. Log अलग अलग लैंडफॉर्म्स पे रहते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं. लाइफ इज ईजी इन प्लेन्स इन कंपैरिजन टू द माउंटेनियस एरियाज. यस, दिस वी ऑल नो कि जो लाइफ प्लेन्स में है वो ज़्यादा ईजी होती है और जो माउंटेन्स पे रहते हैं वहाँ की लाइफ टफ होती है. नाउ लेट्स सी हाउ पीपल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स विद रिस्पेक्ट टू द इम्पॉर्टेंट सिटीज इंडस्ट्रीज क्रॉप्स एंड मेजर फेस्टिवल्स. So before this, let's read this interpretation. Tista River is an important tributary of Brahmaputra. Brahmaputra ki sabse important tributary jo hai, wo hai Tista River. And it originates in the eastern Himalayas region, Sikkim. Kahan originate karti hai ye? Kahan se originate hoti hai? Eastern Himalayan region. Okay, now we'll see here different states, important cities, एंड वॉट दे ग्रो इन स्टेट्स के इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन से हैं, फिर ये क्या क्या ग्रो करते हैं, क्या बनाते हैं, वॉट दे मेक एंड वॉट विच फेस्टिवल्स डू दे सेलिब्रेट. सी पंजाब एंड हरियाणा इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आर चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, गुरुग्राम. देन दे ग्रो, वॉट डू दे ग्रो? दे ग्रो वीट, राइस, मिलेट, शुगर केन, ऑयल सीड्स. दे मेक ऑटोमोबाइल्स, textiles, dairy farming, and the festivals they celebrate are Baisakhi, Holi, Diwali, and Lohri. Then comes Uttar Pradesh, West Bengal, and Bihar. Some important cities of these states are Lucknow, Kanpur, Agra, Kolkata, Durgapur, Siliguri, Patna, Nalanda, Rajgir. They grow rice, wheat, sugarcane, and juice. They grow rice, wheat, sugarcane and jute. Then they make, kya kya banate hain? Leather, jute, iron and steel, sugar. And they celebrate Durga Puja, Chhat, Dashehra and Eid. Then Assam and Tripura. Important cities are Guwahati, Dispur, Agartala. Then they grow rice, tea, jute, bamboos. They make, kya kya banate hain ye? Tea, silk, oil refinery, and they celebrate. Kaun sa festival celebrate hota hai yahan? Bihu, Karchi Puja. Okay? Assam and Tripura. So children, let's do the spot inspect. That what we are able to understand till now. Which dam is built on River Satluj? River Satluj pe kaun sa dam banaya gaya hai? It is the Bhakra Dam. The Bhakra Dam. What does Shivalik word means? What does the word Shivalik means? Shivalik means belonging to Shiva. Belonging to Shiva. Fine. What is the main occupation of the people in Himalayas? मेन ऑक्यूपेशन क्या है हिमालयाज में जो लोग रहते हैं? एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग. फाइन, डिफाइन माउंटेन्स. माउंटेन्स को कैसे डिफाइन करेंगे? माउंटेन्स आर एन एलिवेटेड एरिया, द एलिवेटेड पीक्स विच हैव अ कूलर क्लाइमेट ड्यू टू द लोअर टेम्परेचर इन हाई ऑल्टीट्यूड. Name the three ranges of Himalayas. Kaun kaun se ranges hain teen? The Greater Himalayas, which is known as Himadri, the Middle Himalayas, that is known as the Himachal, and the Southernmost Himalayas, which are known as Shivalik. Now, let's move further. AI facts. Artificial intelligence, AI, can be used to monitor the water quality in rivers. AI का use कहाँ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे check करने के लिए, monitor करने के लिए water quality को? In rivers, reservoirs and lakes in real time. Enabling water companies to manage water resources and spot pollutants and contamination quickly. This
can be helped by the artificial intelligence. Now, catalog some meanings of these words. Alluvium, fine sand, silt deposited by rivers in the floodplain. Then branch, branch kise kehte hain? Something that extends from or enters into a main body or source. Jaise tree ki branches hoti hai na, main trunk mein se alag alag branches nikalti hain, extend karti hain. Glacier, a very slow moving river of ice. Then peak, the top of a hill or mountain. Monsoon, season of heavy rain in southern Asia. And dam, a wall built to hold back water to generate electricity. Now look over. The Himalayas are the highest mountain ranges in the world. The Himalayas consist of three mountain ranges: the Greater Himalayas, the Middle Himalayas, the Southernmost Himalayas. Mount Everest is the highest peak of the in the world. The northern plains stretch from Punjab in the west and Assam in the east. Now let's start the estimation corner here. Choose the correct option. It is an important tributary of Brahmaputra. Brahmaputra ki important tributary kaun si hai? Ganga, Tista, Narmada, Kaveri. It's the Tista. The Ganga enters the northern plains near Punjab, Haryana, Hyderabad, Rishikesh. Ganga enter karti hai northern plains mein kahan pe, kiske paas? Rishikesh, near Rishikesh. The Ganga River originates as Kosi, Mandakini, Gangotri Glacier, Rishikesh. It originates as Gangotri Glacier. Fill in the blanks. The word Himalaya means, Himalaya ka matlab kya hota hai? It means the abode of snow. So write down here, abode of snow. Dash and dash are grown in Jharkhand. Wheat and maize are grown in Jharkhand. Dash makes the soil fertile. Kis cheez ke milne se soil fertile ho jati hai? Alluvium. So we write alluvium makes the soil fertile. The Satluj River originates from, kahan se originate karti hai Satluj? Tibet. It originates from Tibet. The Himalaya stretches for about kitna kilometers? 2500 kilometers. 2500 kilometers. Okay children, and now let's answer few of the questions here. Answer the following questions. Explain the life of people in northern plains. Northern plains में अभी हमने पढ़ा कि लोगों की life कैसी होती है, कैसे वो रहते हैं वहाँ पे. How, what do they grow there, what do they do? So just go through that. Northern plains में कैसे रहते हैं लोग, उसको एक बार फिर से पढ़िएगा and then write down. Differentiate between the Shivalik and Himadri ranges. हमने अभी तीन ranges पढ़े थे, Shivalik, Himachal and Himadri range. So just differentiate between them. Write down. Why are Himalayas important for us? In this chapter we just read many importance of Himalayas. Himalayas ki kya kya importance hain? Wo hamare northern border ko protect karti hain. Then cool winds ko wahan se udhar se north se aane se bachati hain. There are many important things for Himalayas. So just read that topic again. Fir se padhiyega ki kya kya importance hai Himalayas ke and write it down. Explain the three parallel ranges of the Himalayas in brief. Kaun se three parallel ranges hain? The first one is the Greater Himalayas, which is known as Himadri. The second one is the Middle Himalayas, which is known as Himachal. And the third one is the Southernmost Himalayas, which is known as the Shivaliks. So again children, read that and write it down. And write a note on Northern Plains. तो अभी ये सब टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर किए, हमने पढ़े थे. जस्ट रीड द चैप्टर अगेन, फिर से पढ़िएगा एंड देन राइट डाउन द आंसर्स एंड
Here finally we end up with the chapter, and thanks for watching and enjoying the chapter. So we meet again with a new chapter, something more interesting. Till then, stay happy and keep learning. Bye.